ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पांचवी बात है कि हमें खुद को अंदर से एक साइलेंस की इच्छा, तीव्र इच्छा बनी रहे, मुझे शांति की अनुभूति करनी है। और वो शांति की अनुभूति के लिए हमारी अपनी अंतर्मुखता की स्थिति चाहिए। और जितना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, तो कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। अपनी आत्मा के प्रति ध्यान, जितना हम अंतर्मुखता में रहेंगे या अंतर्मुखता को धारण करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली उसका वाणी में आना कम हो जाएगा, उसकी वाणी कम हो जाएगी, बहुत कम बोलेंगे। जितना हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक गंभीरता का गुण आता जाएगा। और तभी ऐसी जब हम अंतर्मुखी स्थिति को अपनाएंगे, तो हम बाबा की याद में, क्योंकि जितना तो नेचुरल वाणी में भी ज़्यादा आते हैं, और वाणी में ज़्यादा आते हैं तो फिर योग में बैठते हैं तो साइलेंस का अनुभव कैसे कर सकेंगे। इसलिए जब हमें वो शांति की अनुभूति करनी है, वो योग की गहराई में जाना है, तो जितना हो सके अंतर्मुखी वाणी में कम आए, तभी हम वो अनुभव कर सकते हैं।